आई होप आप सभी को अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को एक दूसरे तरीके से पढ़ने वाले हैं, विच इज एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इसे भी हम सेम एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें हमने एक डाई को थ्रो किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है एंड सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं यह हमें पता है। अब माना इवेंट्स ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 एंड ओमेगा 6 इस प्रकार डिफाइन है। हम यहां देख सकते हैं कि ये सभी इवेंट्स सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अब इन सभी इवेंट्स में यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें तो सभी इवेंट्स के लिए यह 1 के इक्वल मिलेगा। अब हम प्रत्येक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो यह हमें सभी इवेंट्स के लिए 1/6 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम इन प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो यह हमें 1 के इक्वल मिलती है। तो यहां से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट्री ऑपरेशंस की प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। अब माना एक इवेंट ई इस प्रकार है कि डाई पर ऑड नंबर अपीयर हो, तब इवेंट ई सेट ऑफ 1, 3 एंड 5 के इक्वल होगा। अब यदि हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो यह हमें 1/2 के इक्वल मिलेगी। अभी हमने देखा था कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 के इक्वल मिली थी। अब यदि हम इस इवेंट ई के प्रत्येक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें, यानी कि P(1) + P(3) + P(5) फाइंड करें, तो यह हमें इन एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के एडिशन के इक्वल मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें 1/2 मिलेगा। यदि हम यहां इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि P(1) + P(3) + P(5). सो हम यहां से यह कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट में प्रेजेंट एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के एडिशन के इक्वल होती है। आई होप प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की यह अप्रोच आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब एक कंसेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि एक सैंपल स्पेस एस में 7 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। यहां हमें असाइनमेंट्स ए बी एंड सी के करेस्पोंडिंग इन एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब हमें यह फाइंड करना है कि इन असाइनमेंट्स में से कौन सा वैलिड है एंड कौन सा नहीं। सो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अभी हमने सीखा है कि सैंपल स्पेस में डिफाइन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है। सो अब हमें असाइनमेंट्स ए बी एंड सी के एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम फाइंड करना है। यदि यह सम 1 के इक्वल मिलता है तो असाइनमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। सो सबसे पहले असाइनमेंट ए के लिए जब इन प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं तो हमें यह 1 के इक्वल मिलता है। दैट मींस हम यहां से कह सकते हैं कि असाइनमेंट ए वैलिड है। अब यदि हम असाइनमेंट बी के लिए देखें तो जब हम इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम फाइंड करेंगे तो यह भी हमें 1 के इक्वल मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट बी भी वैलिड है। अब असाइनमेंट सी के लिए देखते हैं। जब हम इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो यह हमें 2.8 के इक्वल मिलता है, जो कि 1 के इक्वल
नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट सी वैलिड नहीं होगा।